क्या भिखारी को भीख देने से या भिखारी को खाना खिलाने से बन सकते हैं करोड़पति? जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिससे एक भिखारी को दान देने से दो दोस्त करोड़पति बन चुके। यह वीडियो कंप्लीट देखने के बाद या तो आप कभी दान भी नहीं करेंगे या फिर आप इतना दान करेंगे कि आप खुद करोड़पति बन जाएंगे। बिना किसी देरी के चलिए इस कहानी को शुरू करते। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो गरीब दोस्त रहते थे। वह दोनों हमेशा साथ रहते थे तथा बहुत दयालु और ईमानदार भी थे। एक बार वह दोनों काम ढूंढने के लिए घर से निकले और उनको रास्ते में एक भिखारी मिला। उस भिखारी ने राम और श्याम से बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। जैसा कि राम और श्याम काफी दयालु थे, उन्होंने सोचा क्यों नहीं इस भिखारी को खाना खिला दिया जाए। ऐसे में उन दोनों ने पैसे इकट्ठे किए। राम के पास थे 10 रुपए और श्याम के पास थे 15 रुपए और खाना खिलाने के लिए जरूरत थी 50 रुपए की। दोनों के पास सिर्फ 25 रुपए इकट्ठे हुए। फिर उन दोनों ने सोचा कि 25 रुपए में खाना नहीं आएगा तो अब क्या किया जाए। इतने में भिखारी बार बार बोल रहा था, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे में वो दोनों इतने दयालु थे कि राम ने अपनी माँ के द्वारा दी गई घड़ी को बेच दिया और श्याम ने अपने पैरों के जूते बेच दिए और ऐसे में उन्होंने 50 रुपए इकट्ठे कर लिए। अब उसके बाद उस भिखारी को उन्होंने खाना खिला दिया। खाना खाने के पश्चात भिखारी ने कहा, तुम दोनों का बहुत भला होगा। तो फिर भिखारी ने उन दोनों को एक ऐसी जगह का पता बताया जहाँ पर बहुत सारा सोना गड़ा हुआ था। राम और श्याम को इसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और राम और श्याम ने इसकी बात को अनसुना करके वहाँ से चल पड़े। फिर राम और श्याम सोचने लगे, क्यों नहीं उस जगह को एक बार जाकर देखा जाए। तो राम और श्याम उस जगह पर पहुंचे। वहाँ पर वाकई में काफ़ी सोना और काफ़ी धन गड़ा हुआ था। यह देख के वो दोनों आश्चर्यचकित हो गए और वो आपस में बात करने लगे कि उस भिखारी को इस जगह का पता था तो वो क्यों भीख मांग रहा है। तो उन दोनों ने सोचा, क्यों नहीं उस भिखारी के पास चले और कुछ धन उसको दे दे जिससे वो भीख ना मांगे। वो दोनों उस भिखारी को ढूंढते ढूंढते मंदिर के पास चले गए जहाँ पर भिखारी रहता था। उस भिखारी वहाँ पर नहीं था। भिखारी एक चिट लिख के छोड़ गया था और उस चिट के अंदर लिखा था कि मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, मुझे सोने चांदी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। इस प्रकार से राम और श्याम वाकई में काफी धनवान बन गए, काफी करोड़पति बन गए। या कह सकते हैं राम और श्याम की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक गरीब व्यक्ति को भेजा और उसकी परीक्षा ली और वो दोनों परीक्षा में खड़े उतरे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी धन और दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि भूखे को खाना खिलाना चाहिए, या कहे भूखे को खाना खिलाना चाहिए। यही अपना सबसे बड़ा धर्म है और इसी का हमें पालन करना चाहिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भी दमदार कहानियाँ आपके लिए आगे आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय श्री कृष्णा।